नमस्कार। वीडियो नंबर 54, एक्सरसाइज नंबर 7.1। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, रेखा एल एंगल ए को, ये जो एंगल ए है उसको समद्विभाजित करता है, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। समद्विभाजित करता है मीन्स ये एंगल इस एंगल के बराबर है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं बराबर। ये एंगल कौन सा, क्यू ए बी। ये एंगल कौन सा, पी ए बी। ओके, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये भी दिया हुआ है, ये 90 का है और ये भी 90 का है, मीन्स परपेंडिकुलर लंबवत है। क्यू बी लंब है इस रेखा पे और पी बी लंब है इस रेखा पे। तो ये दोनों, ये 90 का, ये भी 90 का, मतलब समकोण है दोनों। दूसरा, अपन को इसमें दिखाना है कि त्रिभुज ए बी क्यू सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी पी। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों कैसे हैं, सर्वांग सम। ओके, तो जिसको दिखाना है उसको लिखना है त्रिभुज ए बी बी, ये वाला त्रिभुज ए बी बी, एवं त्रिभुज ए क्यू बी, ये वाला ए क्यू बी। इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल ए पी बी, ए पी बी ये किसके बराबर है, इसके बराबर। ये कौन सा है, ए क्यू बी। तो अपन ने लिखा एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए क्यू बी, क्यों बराबर है, समकोण है। एंगल पी ए बी बराबर एंगल क्यू ए बी, पी ए बी मीन्स ये एंगल, ये एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर। क्यों बराबर है वो भी प्रश्न में दिया हुआ है कि रेखा एल एंगल ए को समद्विभाजित करती है। ओके, ए बी बराबर ए बी, ये वाली जो ए बी भुजा है ये दोनों त्रिभुज में है, इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है। ओके, ए बी बराबर ए बी, देखो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज ए पी बी और ए क्यू बी, मीन्स ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों कैसे होंगे, सर्वांग सम। ओके, सेकंड इसी कंडीशन को वापस यूज करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए इनकी बची हुई भुजा कौन सी, क्यू बी और पी बी, ये दोनों भी कैसे होगी, बराबर। क्यों बराबर होगी, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज के अनुरूप अंग एक रूप होते हैं और उसको अपन बोलेंगे सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स। इसका हिंदी मीनिंग होता है कि दो समरूप त्रिभुज के अनुरूप अंग एक रूप होते हैं। ओके, ये दो समरूप त्रिभुज है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो इसके अनुरूप अंग, इसका अनुरूप अंग कौन सा हुआ, ये कैसे होंगे, एक रूप मीन्स समान, मीन्स पी बी बराबर क्यू बी। ओके, तो ऐसे आपको लिखना है सेकंड में, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है इसलिए पी बी बराबर क्यू बी। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, मीन्स दो समरूप त्रिभुज के अनुरूप अंग एक रूप होते हैं, इसका आपको याद रखना है। क्वेश्चन 6 आपको मैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ओके, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें एक डायग्राम बना हुआ है और अपन को डायग्राम को देख के ही पता करना है कि इसमें क्या दिया हुआ है। एंगल ए एंगल बी के बराबर, एंगल ए पी ई ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल कौन सा, बी पी डी। ओके, तो अब देखो क्या दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है कि बिंदु पी, बिंदु पी ए बी का मध्य बिंदु है। ओके, बिंदु पी ए बी का मध्य बिंदु है, ये एंगल दोनों बराबर है। तो इन दोनों एंगल में अगर ये एंगल जोड़ेंगे अपन तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। ओके, तो इस कंडीशन का यूज करना है। देखो इसमें, इसमें दिखाना है पहला कि ट्राइंगल क्या दिखाना है, ट्राइंगल ए पी डी, ए पी डी कौन सा है, ए पी डी। ओके, देखिए
ये वाला त्रिभुज एपीडी और सेकेंड वाला है बीपीई, बीपीई, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। ओके, तो अभी देखो यहाँ से कि एंगल एपीडी, एपीडी बराबर एंगल बीपीई क्यों बराबर है। मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि ये एंगल इसके बराबर है, ये दोनों में ऐड करेंगे, अगर इस एंगल में ये बराबर इसको प्लस करेंगे तो ये पूरा एंगल यहाँ तक बनेगा, ये एंगल कौन सा होगा ए पी डी, और इस एंगल में ये एंगल जोड़ेंगे तो कौन सा बनेगा बी पी ई। ओके, तो ये जो पूरा एंगल है वो इस पूरे एंगल के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये दिया हुआ है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इस एंगल में भी ये जोड़ना है, इस एंगल में भी ये जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा। ओके, तो वो अपन ने यहाँ पे लिखा, ठीक है, कि एंगल ए पी डी बराबर एंगल बी पी ई, सेकेंड है एंगल पी ए डी एंगल पी बी ई। ओके, देखिए ये भी दिया हुआ है, ये एंगल इसके बराबर है और वही अपन ने यहाँ पे लिखा ए पी बराबर पी बी, ये भी अपन को दिया हुआ है क्वेश्चन में कि बिंदु पी ए बी का मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है तो ए पी ये भुजा और बी पी ये भुजा दोनों आपस में कैसी हैं बराबर, जो अपन ने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो अभी देखो यहाँ से एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी पी ई, मीन्स त्रिभुज ए पी डी और बी पी ई सर्वांग सम है। सेकेंड के लिए ये कंडीशन लेके चलना है कि त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी पी ई। ओके, तो बची हुई जो भुजा है, यहाँ पे बची हुई भुजा है इस वाले त्रिभुज की ए डी और इस वाले त्रिभुज की बी ई, तो वो भी आपस में कैसी होगी बराबर, क्यों, क्योंकि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके अनुरूप अंग एक रूप होते हैं, मीन्स बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, समरूप त्रिभुज के अनुरूप अंग समान होते हैं, ये इसका मीनिंग होगा, एक रूप होते हैं मीन्स समान होते हैं। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है, ये समरूप का साइन है, इसलिए इसके अनुरूप अंग ए डी का अनुरूप अंग कौन सा है बी ई, तो ए डी बराबर बी ई। ओके, ये आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है और उसके बाद वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, आपको करना है। ओके, पहले जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ उनको अच्छी तरह समझना है, एक बार नहीं समझ में आ रहा है दो बार समझो तीन बार समझो, लेकिन उसको समझने की कोशिश करना है और उसके बाद जो मैंने प्रैक्टिस में दिया है उसको करने की कोशिश करना है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू।